ऐसी कविता आप सबको सुनाने जा रहा हूँ जिसके लेखक कसिहा रामपुर प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, जिनका जन्म 18 अगस्त 1958 को हुआ। इनकी एक प्रमुख कृति है प्रार्थना के शिल्प में नहीं। इन्हें 1987 में भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार से भी नवाजा गया है और इन्होंने अनेक मशहूर कविताएं लिखी। इस शख्स का नाम है देवी प्रसाद मिश्र। तो देवी प्रसाद मिश्र की एक कविता मैं आप सबके सामने पढ़ूंगा जो आपके दिल को बहुत अंदर तक छू जाएगी। उस कविता का शीर्षक है बेरोजगार। बेरोजगार आज के वर्तमान परिदृश्य में जिसे पकौड़ा बनाने की सलाह दी जाती है, शायद आप में श्रोताओं में भी कुछ लोग हों जो पकौड़ा बनाने की तरकीबें गूगल कर रहे हों, तो वो ये कविता सुने कि बेरोजगार आदमी का आखिर क्या कसूर होता है। शुरू करता हूँ। यह सवाल उसे शर्मिंदा कर देता है, यह सवाल उसे शर्मिंदा कर देता है कि क्या कर रहा है वो आजकल। यह सवाल उसे शर्मिंदा कर देता है कि क्या कर रहा है वो आजकल। वो डकैती नहीं डालता, वो तस्करी नहीं करता, वो हत्याएं भी नहीं करता, वो फरेबी वादे भी नहीं करता। ये सवाल उसे शर्मिंदा कर देता है कि वो क्या कर रहा है आजकल। वो डकैती नहीं डालता, वो तस्करी भी नहीं करता, वो हत्याएं भी नहीं करता, वो फरेबी वादे भी नहीं करता, वो देश नहीं चलाता। फिर भी ये सवाल उसे शर्मिंदा कर देता है कि वो क्या कर रहा है आजकल।